मुरादाबाद शहर जो मशहूर है अपने पीतल के कामों से, और असल में इसे हम पीतल नगरी भी बोलते हैं। ये मुरादाबाद के कारीगर एक कच्चे माल को संपूर्ण वस्तु में बदलने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। सबसे पहले एक मोम का नमूना बनाते हैं, फिर इस नमूने को अच्छे से तराशते हैं, कभी नमूने को घिसते, कभी छीलते, कभी हल्के और नरम हाथों से संवारते हैं। ये कारीगरी इनके दादा इलाही और अब्बा ने इन्हें सिखाई, और इन्होंने बड़ी मेहनत और सब्र के साथ साथ ये कारीगरी सीखी है। इसी प्रकार दूसरी प्रक्रिया का आरंभ होता है। ढलाई की प्रक्रिया में कारीगर लकड़ी के पट्टे के ऊपर नमूना रखता और सांचा रखकर मसाला अपनी उंगलियों से भरता और उस मसाले को ठोका करता है। इन कारीगरों के हाथों में मानो कोई जादू ही हो, जो एक आम वस्तु को अनमोल वस्तु में बदल देते हैं। फिर कारीगर सांचे को पलटता और दूसरी ओर एक लोहे का एंगल ऊपर से रखता और उसके अंदर मसाला भरकर उसे फिर से ठोकता, अतिरिक्त मसाला हटाता और सांचे में अपनी उंगली और अंगूठे की मदद से जगह बनाता जिसमें वो पीतल भर सके। एक लकड़ी का डंडा लेकर नमूने को ठोकता और नमूना बाहर निकाल लेता। इसी दौरान मेरी नजर इस कारीगर के पैर पर पड़ी, जो कि एक नकली था। इस कारीगर की मुझे एक बार दिल छूने वाली लगी कि उसने मेहनत करना जरूरी समझा भीख मांगने के। इसी दौरान दूसरा कारीगर भट्टी में से गरम गरम पीतल घड़ल में लाता और सांचों के पास लाकर रख देता, फिर एक एक सांचों में वो पीतल भरता। ये पीतल भरते हुए देखना बड़ा ही रोमांचक है। फिर कारीगर नंगे हाथों से सांचों को खोलता और उस पीतल की वस्तु को बाहर निकालता जो हूबहू नमूने का आकार ले चुकी होती है। वेल्डिंग यानी दो वस्तुओं को जोड़ना और उसकी मरम्मत करना। छिलाई जहां कारीगर पीतल को छीलता और उसके अंदर एक चमक देता है। घिसाई जहां कारीगर पीतल के उभरे हुए अंगों को घिसकर एक सामान्य बना देता है। नकाशी एक बहुत ही पुरानी कला है जहां वो पीतल को एक चोक और लकड़ी के पट्टे की मदद से नकाशते हैं। नकाशी एक ऐसी प्रक्रिया है जो पीतल ही नहीं अन्य वस्तुओं पर भी की जाती है। फिर कारीगर पीतल पर रंग करता और एक लेकर की परत चढ़ाता।
लेकर इसलिए ताकि उसकी चमक हमेशा बरकरार रहे। आखिर में कारीगर मैट की कटिंग करता जो कि वस्तु की निचले भाग में लगी होती है, फिर उस पे कुछ मेड इन इंडिया की चिटे लगाकर उसे पैक कर देता।